ये देखिए हमारा पिज्जा जो घर में मैंने तैयार किया, यकीन हो रहा है क्या? बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है ना। तो इस पिज्जे को हम अभी तैयार करेंगे, वो भी माइक्रोवेव में नहीं, कढ़ाई में। तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है ना, इस टेस्टी पिज्जा को कढ़ाई में कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेस तैयार कर लेते हैं। तो बेस भी हम घर में तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे मार्केट में भी मिलते हैं रेडीमेड, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो मैं तो बेस भी घर में तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है मैदा 2 कप, इसमें मैं आधी कटोरी दही डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं चीनी 1 चम्मच ले ले, आधी चम्मच नमक, और इसके साथ ही जाएगा बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें ईस्ट नहीं डाल रही हूँ, बिना ईस्ट का हमारा ये बेस तैयार करने वाली हूँ। और आधी चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अभी इन सबको हल्के हाथों से पहले गूथ लेने हैं, और ज़रूरत पड़ने पे मैं इसमें पानी डालूंगी। इसके साथ ही 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे हम। तो इस तरह मैंने मिला दिया है आटे को। अभी हम इसे एक कपड़ा भिंगा लें और उससे इसको ढक दें आधे घंटे के लिए कम से कम। तो आधे घंटे के लिए मैं इसे ढक दे रही हूँ, और तब तक हम लोग नेक्स्ट तैयारी में लग जाते हैं। तो अभी मैं पिज्ज़ा सॉस तैयार कर लेती हूँ। तो पिज्ज़ा सॉस भी मैं घर में ही तैयार कर रही हूँ, ऐसे तो पिज्ज़ा सॉस भी रेडीमेड आते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ बटर, बटर के साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक बारीक कटा हुआ, और ये ऑनियन, इन सबको हल्का ब्राउन होने तक हमें भूनना है। तो ये देखिए ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं करने, इससे हल्के ही हल्का भूरा होने देते हैं, बस ये हो गया है। और हम ये टमाटर मैंने काट करके रखा है, तो इसमें हमें डाल दे रहे हैं, इसमें डाल दे रही हूँ मैं सॉल्ट, और इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर। तो अभी इन्हें पकने दे रहे हैं अच्छे से, पहले पूरा टमाटर गल जाना चाहिए, तो अभी ढक देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। ये देखिए टमाटर पूरी तरह से मिक्स हो गया है अच्छे से। इस समय मैं डाल रही हूँ यहाँ पे टमाटो सॉस, केचप है 1 कटोरी डाल दे रही हूँ। अगर आप केचप नहीं डालना चाह रहे हैं तो इसी चटनी में आपको चीनी डाल देना है, मैंने चीनी नहीं डाला था। और इस तरह हमारा ये पिज्ज़ा सॉस तैयार हो जाता है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से हर्ब्स, और बस ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ड्राई होगा। तो अभी मैं यहाँ पे बंद कर दे रही हूँ। तो पिज्ज़ा सॉस हमारा तैयार हो गया है, और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ऑर्गेनो। तो मैं यहाँ पे मैरिनेट कर रही हूँ पनीर और मशरूम को। तो सब्जियाँ कच्ची भी इसमें पड़ती है, लेकिन अगर आप ये इस तरह करके डालते हैं तो यकीन मानिए इतना टेस्टी हो जाता है पिज्ज़ा कि बाहर का बिल्कुल बच्चे मांगेंगे नहीं, आपके ही हाथ के मांगेंगे खाने के लिए। तो ये देखिए इसमें मैंने दही डाला है, और इसके साथ डाल रही हूँ बेसन, ये सब 1 बड़ा बड़ा चम्मच आप ले सकते हैं। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी लाल मिर्च, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल है ये, मस्टर्ड ऑयल, गरम मसाला, और अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने दरदरा क्रश कर दिया है इन्हें, इन सबको ऐसे मिक्स कर दें। और इसमें मैं डाल रही हूँ मशरूम को और पनीर क्यूब्स को। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और लेमन जूस। तो ये मैरिनेट हो चुका है, और अभी इसे हम लोग भून लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच तेल, आप यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं। और ये मैरिनेट किया हुआ मशरूम और पनीर,
इन सबको अभी भून लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए मैंने इसे भून लिया है और ये तैयार हो गए हैं अभी। इससे क्या होता है कि सब्जियों का कच्चापन भी नहीं रहता और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसे मैरिनेट किया था। और ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। तो आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है आटे को यहाँ लगे हुए, तो ये देखिए कितना फूल गया अच्छे से। तो थोड़े देर और मिला ले इसको अभी बनाने से पहले हाथों से। थोड़ा सा हाथों में ऑयल लेकर मैंने इसको फिर से मिक्स कर दिया है ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। तो अभी मैंने एक लोई लेने हैं, और थोड़ा सा सूखा आटा आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग मक्के का आटा भी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं गेहूँ का आटा ले रही हूँ यहाँ पे। और हल्के हाथों से बेल दें। आप जैसा शेप देना चाहें बड़ा छोटा वो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं लिया है इस तरह। और यहाँ पे आप उंगलियों से किनारे दबा दें ऐसा, और किसी फोक की सहायता से आप बीच में होल कर दें। क्या कहते हैं ये देखिए इस तरह मैंने कर दिया है। तो मैं यहाँ माइक्रोवेव में नहीं बना रही हूँ, एक कढ़ाई में पिज्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने एक बर्तन ले लिया है इस तरह का। अगर आपके पास एल्युमिनियम का बर्तन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम की थाली या फिर कटोरा भी, केक जैसा जो होता है उस तरह का आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीस कर दे रही हूँ बटर, और फिर इस पर मैं इसको बिठा दे रही हूँ। और इसमें अभी मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने से पहले भी मैं ऊपर में भी थोड़ा सा यहाँ पे बटर हल्का सा लगा दे रही हूँ। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ ये पिज़्ज़ा सॉस। इसके ऊपर चीज़ डाल रही हूँ मैं अमूल चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास मोगरेला चीज़ है तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इन सब्जियों की बारी है। तो सबसे पहले ये जो मैंने मशरूम और पनीर का भून करके तैयार किया है उसका हम लोग लगा दे रहे हैं टॉपिंग। इसके साथ ही मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी है। तो ये मैंने ले लिया है शिमला मिर्च, देखिए कैप्सिकम को कितना बारीक पतला पतला काटेंगे तो ये देखने में सुंदर दिखता है, तो मैंने इसको ले लिया है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ऑनियन, ये देखिए जो मैंने अलग अलग इस तरह छोटे भाग में कट किए हैं। तो ये कट करने का अपने ऊपर है, आप जैसा भी कट करके डालना चाहें सा डाल सकते हैं। तो ये मैं ऑनियन डाल दे रही हूँ। और इसके साथ ही मैंने डाल रही हूँ ये गाजर, मैंने पतले पतले स्लाइसेस इसके भी कट कर दिए हैं। और ये कॉर्न है, कॉर्न को मैंने बॉईल कर दिया है नमक डालकर पहले पानी में। इसके ऊपर से फिर से चीज डालेंगे हम। तो मैंने प्री हीट होने के लिए पहले से कढ़ाई एक रख दी है, 3 मिनट इसे प्री हीट करना है तेज आंच पर। तो मैंने इसको पहले से ही रख दिया था, 3 मिनट मेरे हो गए हैं। तो इसके ऊपर मैं ये रख दे रही हूँ
तो सावधानी से रखें, कढ़ाई गर्म है। तो अगर इसके जगह पे आप प्लेट या कटोरी रखते हैं तो आप नीचे में पहले इस तरह का आप रिंग रख दें, उसके ऊपर आप अपनी वो प्लेट को इसके ऊपर आप रख सकते हैं और फिर इसे ढक देते हैं। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे मुझे, तो इसको मैं पहले चेक कर लूँगी बीच में एक बार, 3 मिनट या 4 मिनट होने के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। तो अभी ढक देती हूँ और फिर हमारा पिज्ज़ा देखते हैं कि कैसा तैयार होता है। तो इसके साथ ही मैं एक और भी तरीके से आपको बता रही हूँ, ये बिना प्री हीट हुए करेंगे हम। तो इसमें मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें थोड़ा सा पहले बटर को डाल दे रही हूँ और ये जो हमने तैयार किया है बेस उसको इस पे डाल देंगे और धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए एक साइड हम पकने देंगे पहले। और ये देखिए एक साइड जो हमारा धीमी आंच पे पक ही रहा है, दूसरे साइड अब मैं इसमें फिर से बटर लगा दे रही हूँ और अभी इनको हम पलट देंगे। तो ये क्या है, एक साइड तो हमारा ऑलरेडी पक गया तो दूसरे साइड अभी पकता रहेगा और इस पे हम अब चटनी वगैरह जो भी है हम इसमें लगाएंगे। तो अभी हम ये साइड जो हमारा ऑलरेडी पक गया है तो इसमें मैं पिज्जा सॉस डाल रही हूँ, सेम प्रोसेस है सब कुछ का। इसके बाद इसमें हम चीज डालेंगे, थोड़ा सा सब्जियां, और फिर ये कॉर्न और इसके साथ वापस फिर से चीज़। तो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना खाना या खिलाना चाहते हैं तो उस अनुसार ही आप इसका प्रयोग करें, लेकिन पिज्ज़ा में तो आप जितना चीज़ डालेंगे उतना ही टेस्ट आता है इसका। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे ऑर्गेनो, और बस इसको मैं ढक दे रही हूँ, बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है और ये भी हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे क्योंकि एक साइड पक गया है तो दूसरे साइड में और सारी सब्जियों को पकाना है। तो ओनली 3 मिनट्स हम लोग करेंगे इसको। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और हमारा पिज्ज़ा ये तैयार हो गया है, ये बहुत ही अच्छे से पक गया है। ये देखिए नीचे से भी क्रिस्पी हो गया है, वो मुझे दिख रहा है। तो अभी ये पिज्ज़ा तो हम मैं बंद कर दे रही हूँ, इसका हो गया। अभी मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पिज्ज़ा कैसा तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्म ये बहुत होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारा पिज्ज़ा, वाह। तो ये बहुत ही अच्छे से पक गया है इसमें सब कुछ। तो अभी मैं आपको पीसेस करके बस दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने तवे पे बनाया है और ये मैंने बेक जो प्री हीट करके कढ़ाई में बनाया था वो है। तो दोनों ही देखने में सेम लग रहे हैं और खाने में भी सेम रहेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है हमारा पिज्ज़ा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी।